जो आपके थॉट्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं, आपके परसेप्शंस हैं, वो उनको क्या करता है, चेंज करता है। सिंपल जो डेफिनेशन है ड्रग की वो ये है, आपकी जो ड्रग है, ड्रग की बहुत सारी कैटेगरीज होती है। इधर आपकी जो चाय है, कॉफी है, वो भी एक तरह की क्या है, ड्रग है। कॉफी में क्या होता है, कैफीन। और टी में क्या होता है, टी में कौन सा केमिकल होता है, टी को निकोटीन नहीं होता है, हा? टी में मिथाइल ज़ंथेन होता है, ठीक है। मिथाइल ज़ंथेन करके केमिकल होता है जो आपको क्या करता है, बिल्कुल अलर्ट कर देता है ना। कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ड्रग का ये मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब इसके बाद बात आती है ड्रग एडिक्शन की और ड्रग अब्यूज की, ओके। तो ड्रग एडिक्शन एंड ड्रग अब्यूज, क्रोनिक और हैबिचुअल यूज ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस टू ऑल्टर स्टेट्स ऑफ बॉडी और माइंड फॉर अदर देन मेडिकली वारंटेड पर्पसेस, फिजिकल डिपेंडेंस और विड्रॉल होता है इससे, ठीक है। अब ड्रग एडिक्शन और ड्रग अब्यूज की जब बात करते हैं, ड्रग तो आपको पता चलता है कि कोई भी उसमें सब्सटेंस हो सकता है जो आपकी बॉडी को, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को ऑल्टर कर रहा है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रग अब्यूज। अब्यूज या एडिक्शन ये कब बनता है, जब, सिंपल एग्जांपल देता हूं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, यू सफर फ्रॉम एनी डिजीज, चाहे वो फीवर है, कोल्ड है, कोई भी डिजीज है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, ताकि आप जल्दी जो है उससे ठीक हो जाए, चाहे बैक्टीरियल वो है आपका डिजीज है या वायरल है, कुछ भी है, तो उससे ठीक हो जाए। तो वो एक जो मेडिसिन देता है, दैट इज सिंपल ड्रग, है ना। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो इलीगल होती है। क्या होती है, इलीगल होती है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया हुआ है। लीगल जो आपको पता है, जैसे टोबैको है, अल्कोहल है, और भी सारे कुछ प्रोडक्ट्स है जो लीगल कर दिए, ठीक है।